ब्यावर में हमारी कल से दुकानें बंद है और आज भी दुकान बंद है, कारण कि आईपीएस स्मिथ मेड़ा हम लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ग्राहक आएगा तभी तो माल बिकेगा, अब गाड़ी बाहर आके खड़ी हो जाती है, ग्राहक माल देखते ही गाड़ी बक जाता है क्योंकि संभ्रांत व्यक्ति होते हैं। अजमेर के ब्यावर क्षेत्र में शराब दुकानदारों द्वारा पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में शराब व्यापारियों ने बताया कि उन्हें पुलिस द्वारा नाजायज परेशान किया जा रहा है, जबकि यह सरकारी आदेश के अनुसार शराब विक्रय का कार्य किया जाता है। पुलिस को अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर दुकानदारों को बेवजह परेशान कर रही है। दुकानदारों ने ब्यावर शहर में 2 दिन का शराब की दुकानें बंद रखने का आह्वान भी किया। माननीय कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं क्योंकि हमारा एक सर्वप्रथम जिस काम से हम जुड़े हुए हैं, हमारा काम होता है राज्य सरकार को राजस्व की पूर्ति करवाना। हम लोग जब ये शराब के ठेके लेते हैं तो उससे गवर्नमेंट को राजस्व मिलता है और सभी सरकारी कर्मचारियों की उसमें तनखा विकास के कार्य होते हैं। तो हम लोग ने जब से ये व्यवसाय शुरू किया है, ब्यावर में हमारी कल से दुकानें बंद है और आज भी दुकान बंद है, कारण कि आईपीएस स्मिथ मेड़ा हम लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ग्राहक आएगा तभी तो माल बिकेगा, अब गाड़ी बाहर आके खड़ी हो जाती है, ग्राहक माल देखते ही गाड़ी बक जाता है क्योंकि संभ्रांत व्यक्ति होते हैं। शराब पीना भी हानिकारक है पर जिसको लेना है तो वो लेगा कैसे, पुलिस की गाड़ी देखते ही बक जाता है। इसलिए हम माननीय कलेक्टर साहब के पास आएंगे, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, कल 60 लाख रुपये का हुआ, करीबन 60 से 70 लाख रुपये का आज और होगा। जब तक हम दुकानें तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, चाहे गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। माननीय अजमेर कलेक्टर साहब से गुजारिश रहेगी कि वो इस मांग में संज्ञान लें, क्योंकि रेवेन्यू की पूर्ति करवाना एक आईएएस का धर्म होता है, कर्तव्य होता है, और यही इनसे गुजारिश लेके आए। हमारी मांग ये है कि जो ग्राहक आता है और जो माल आता है, तो जैसे ही ग्राहक आता है तो पुलिस की गाड़ी बाहर रहती है तो ग्राहक बच जाता है। और दूसरी बात, सरकारी दुकानों को ही टारगेट किया जा रहा है, टारगेट उनको करो जो अवैध बेच रहे हैं, जो नकली माल बेच रहे हैं, जो बिल्कुल जो गवर्नमेंट को घाटा पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं है और सरकारी आदमी पे कार्रवाई है, इसी का विरोध है हमारा। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300303072 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर। Thank you.